क्यों ठहराओ सर, मैं अपने हिसाब आदमी है जी का मतलब कभी 10 रुपए देवे को, हाँ ठीक है हिसाब लेना रहा पहले आते, हाँ मैं वो मेरी घरवाली है, अगर थानी लग भी अपन ने ये आश्रम खातर की करनो चाहिए तो करो। 15-14 बज गया। हाँ 15-14 बज गया। ओहो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बात तरक्की के काम की जो बाप के काम ना आस के। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद, आज मैं आया हूँ अपने वृद्धाश्रम के अंदर। अठे अनाथ लोग है और बेसहारा लोग है और कई लोग है जो मतलब आपका माँ बाप बहुत समझे और बे आश्रम के अंदर छोड़ देवे है, और थाना आज पूरी जानकारी देवांगा और आऊँ मिलावांगा अंग सारी बात जानांगा, दिल को दर्द जानांगा। ये मेरे वीडियो पर लगातार बना रही हो और थाना सारी चीज़ों रूबरू कराऊँगा और आपस बातचीत करांगा। अठे जो राजेश जी बेनीवाल हूँ और बे जो संस्था का मेन सदस्य है, और आओ थाने अंदर सारो दृश्य दिखावा और थे हमारे वीडियो पर लगातार बने रही। हाँ राजेश जी, सर कहना आ गया हाँ और आगे ऑफिस के अंदर आ गया हाँ, और राजेश जी अब पूरी बात जानांगा और थाने परिचित कराऊंगा। अठे वृद्धाश्रम है, अनाथ लोग है, जो अपाइज लोग है, जगह घर कोनी, बेघर है, सड़कों पर रेवे है, और बे सारा ये सूचना मिले राजेश करी और थारे के दिमाग में आई कि अपन ने समाज सेवा करनी है और किया थारा लोग जुड़िया आज तक वो संघर्ष रेवे है किया थे सारो व्यवस्था करी बातचीत थे मारे दर्शकों ने बताओ सारी बात। 2012 मिलो आप मतलब संस्था स्टार्ट करी, ठीक है जब मतलब मैं संस्था स्टार्ट करी मारे भी मतलब यहाँ टीम में 15 मेंबर मतलब 15 आदमी आ गए, लेकिन जिये ही मतलब वापस संस्था की मतलब ओपनिंग करी 15-14 बच गया। अच्छा ठीक है 15-14 बच गया। हाँ 15-14 बच गया। ओहो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे फिर मैं अब शुरुआत कर दी पिछड़ना भी सही बात, सही बात बन सही है। फिर मैं मरे एक लग बेहतर में संस्था के लिए शुरुआत कर दी, फिर अपने राव सर में काशीराम जी नाई है राव सर काम भाई जी मेरी मतलब पूरी है मतलब बिना कोई लालच या बिना कोई मतलब बा मतलब के आगे अपना आश्रम सपोर्ट करें बे समाज से भी है बहुत बढ़िया समाज से भी है कि कोई भी मतलब सामाजिक काम मधुरी वहाँ ब्याह करें मंदिर हो या गुरुद्वारा हो कोई भी चीज़ हो यह चीज़ मांग रहे बा मतलब आपने ये आश्रम में सिर्फ आपने हेल्प करना स्टार्टिंग में बंदा भाई ये दोनों भाई मिल के भाई धीरे धीरे करके आश्रम में मतलब जो चीज चीज ले आया वो आदमी मतलब जिनमें कॉल आए मिट्टी बन बता के ले गया था शुरुआत किया धीरे धीरे के हमारा आश्रम अब। हाँ सही है मतलब शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। हाँ बहुत मुश्किल हुई यहाँ साथ छोड़ जाओ 14-14 बंदा साथ छोड़ जाए बी टाइम तो उस लोग बहुत छूट जी है पर आप राव सर में जितना कौन भाई जी को साथ देना रहा राव सर का लोग इतना अपन सपोर्ट अब करने लगे कि तो बाकी पहले अपन कहीं सपोर्ट कौन कर अब मतलब लोग धीरे धीरे जाने लगे बार मतलब क्या चीज़ है अनाथ आश्रम के होना चाहिए ज्ञान सेवा करा तो अपन मिले तो अपने जिया राव सर का लोग है अपना वीडियो देखे है तो मन कोई दो शब्द बोलेगा कि ताकि बे भी मोटिवेट हुए और बन भी कुछ लगे और अपनी संस्था खातिर कुछ करे। मैं तो देखो लोगों ने ये कहना चाहूँ भी अगर गेट आओ एक बार आगे देखो अगर थानी लग भी अपन ये आश्रम खातर की करना चाहिए तो करो ये सीधा बात बन रहा भाई जी और माने दान दो दान भाई देखो सब चीज़ देखो अगर फिर थारे मन में ही आवे माने इस संस्था खातर की करना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई जी करो सही बात है बिल्कुल भाई जी तो आपने जिया थे व्यवस्था करो और अठे जिया मतलब कितना सदस्य है मौका का काम करे जी आपने मतलब काम करना रहा तो मतलब जिया रख तनखा रखेड़ा मारा कोई अच्छा मतलब आप की इच्छा हूँ करके जाओगे ये मतलब खुद यहाँ जी का मतलब मैं हूँ मेरी घरवाली है क्यों ठहराओ सर मैं अपने हिसाब आदमी है जी का मतलब कभी 10 रुपए देवे को, हाँ ठीक है हिसाब लेना रहा पहले आते। हाँ आप कई लोग बढ़िया भी है जी का मतलब सपोर्ट करना रहे जी आप भी ज़्यादातर तो सैन समाज भी है और है मतलब बढ़िया ठीक सपोर्ट रहे हमारे तो सर आस पास गाँव में नहीं गाँव जितनी मतलब मिलना रही है नहीं जितने अपने शहरों पर। हाँ बात सही है देखो कहावत को नहीं कि जो वृद्धा लोग है अपने जो गांव के अंदर आज भी संस्कृति है निभा संस्कृति बनी है और शहर के अंदर सिस्टम तो अपन पता ही है थोड़ा बेटो कुछ करन लग गयो और आपके माँ बापा ने बहुत समझन लग गयो और माँ बापा के कुछ करो भी खातर बातचीत सारी भूल जाए और गाँव की संस्कृति देखा चे कितो भी माइत बुढ़ हो जाए बिंगी देखभाल करें और बढ़िया
जो बुजुर्ग लोग है मतलब वो बढ़िया मोर्चो हाथ में देवे फैमिली को सारी साथ संभाल भंग हाथ में हुए और माँ बापा ने कभी बोझ कौन समझे। शहरों के अंदर नॉर्मल सी बात है कि माँ बापा ने बोझ समझे और मतलब गलियां में छोड़ देवे आश्रम में छोड़ देवे तो बेभटक वो करवान कोई मतलब को नहीं। तो मेरी आई गुजारिश है कि ये ना करे करो और मतलब माँ बाप अपन आज हद तक ले गए हैं अपने खतरे तो कुछ करे है तो आपने भी फर्ज बने कि माँ खतर कुछ करा और थारों भी गुजारिश है कि थे इस संस्था के अंदर आओ कुछ हेल्प करो। अपनी टीम है क्या जो अपनी गाँव के अंदर जावे? हाँ टीम है अपनी, दो टीम है, गाँव में जान ला रही है, भी प्रचार कर ला रही है, भी लोगों समझावे बता ला रही है भी आश्रम के चीज है मतलब हाँ। के काम करा के नहीं करा मतलब लोगों ने जाके बतावे आगे जाके। तो जी अपने शुरू के अंदर जी बुजुर्ग लोग है थे ले गए पाइज लोग है बन ले गए तो बाद में जी धीरे धीरे बंगी की तरह मतलब प्रक्रिया शुरू है सारी जी ले बाद में फिर घर को माहौल देवा बढ़िया खाना पीना देवा ताकि डर ना बैठे मतलब बंदा का मतलब की है कि अगर आप बिन सही तरह खाना पीना मिला वो सही टाइम पर नींद आवेगी तो वो बंदा ऑटोमेटिक दिमाग सही होने लग जाएगा। हाँ सही है गृह चीज वो की करता हुआ कोई या गाली गलौज देता हुआ है या कोई मतलब ज्यादा मंद बुद्धि भी हुआ कोई मतलब शोर मचाना रहा हो तो मैं ऐसा ऐसा भी लेके आया जिसका मतलब घर बांध के रखे डाल लेकिन बाद में बैठे भी मार कर जमा खुला भी रहा बन में मतलब बढ़िया खाना कोई यहाँ को नहीं का मतलब बन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए है बिंग कारण हो एक आपने रहन सहन रखने का तरीका हूँ बन खाना पीना हूँ सही नींद आना मतलब ऑटोमेटिक बंदो चेंज होना चाहिए। हाँ सही है मतलब दवाइयों से ही कोनी है। हाँ दवाइयों से ही कोनी है भाई छोड़ो एक्टिविटी है बिन के अगर बंद हो तो बिंग और खूब बैठे हो मतलब दिमाग है नहीं मतलब बिन चीज़ हटा के आप मतलब और चीज़ में कोशिश करा लगा वहाँ बीबे सा बढ़िया बात करा बढ़िया प्यार बोलना भी सा गया बिहारी में सा कोई प्यार बोलेडा को नहीं है कोई पागल कह देगो कोई बौड़ियों कह देगो कोई की कह देगो बिन टाइप का बोलेडा अपन आके बिन मतलब बढ़िया प्यार बात करा गया सा गया भाई बुड है तो भी ताऊ जी ताजी दादा जी या बुढ़ी है तो बम भी सब मतलब बात करा अपन नहीं तो मतलब वो अपना आप नहीं एक दिन नहीं दो दिन नहीं तो अपना भी दिमाग से होना चाहिए। तो सर जी मतलब थे जहाँ घर का सदस्य बुजुर्ग है तो भे थाने कॉल करेगी कि हमारा बुजुर्ग है भे थे लेके जाओ नहीं घर का जी मतलब बुजुर्ग जाते तो पड़ोसी आगे फोन आवे। अच्छा क्योंकि कई कई तो ईसा जी का घर के अंदर टॉर्चर होने लग रहे मारपीट भी कह रहा है कि ईसा बच्चा है आजकल हाँ बहुत है तो बी टाइम में कोई पड़ोसी में फोन आ जाए या फिर जहाँ कोई तो जो रस्ते में जावा मैं ज्यादातर तो जिन्हें पता ही को नहीं है मतलब कौन है तो पता ही ना आवे मतलब ऐसा लोग है जो मतलब माँ बापा ने रास्ता के अंदर छोड़ दिए मतलब बहुत है जी मतलब कई हम पता ही को नहीं मतलब खटा गया हाँ। अब आज तक मैंने चार पांच जो हिस्सा है बारह मैंने पता को नहीं ये है खटेगा तो वहाँ बंदा हूँ थाने थोड़ा बातचीत कराँगा और वहाँ पतो कराँगा भाई की बतावे कि बस मारा वीडियो पर लगातार बना रही पतो चल जाए बंदा खटा गया तो भी बहुत बढ़िया बात है मैं मार तरफ तो कोशिश की लेकिन कौन पता कौन चल जाए अभी तक वरद आश्रम नाम दे रखे थे। अच्छा मतलब मेरी बात सुनो कि जिन चीज़ ने मतलब समाज निकाल देनी अच्छा जिन चीज़ को मतलब समाज दरकिनार कर लिया बात चीज़ अठावे आवे तो मतलब आपने जिया थे अठे कितना टाइम तक रुको जिया मतलब अठे रात ने कोई और सदस्य भी रुके नहीं रुका डे नाइट में अच्छा मतलब थे भी अठे रहोगे अच्छा। तो दोस्तों थे राजेश जी सर हूँ सारी बातें जान ली है अब राजेश जी सर हूँ आप रिक्वेस्ट कराँगा कि जो अठे बुजुर्ग लोग है दिव्यांग लोग है वो बांग चलना वो बहुत परिचित करा और बहुत बातचीत करने की कोशिश करा बांग दर्द जाना और बहुत बातचीत कराँगा थे बस वीडियो पर लगातार बने रही राजेश जी आप चलना।
देखो मतलब अपने आश्रम है इनके अंदर सारा की किया देखभाल करीजे है, और अपने जो बुजुर्ग लोग है ये भैया है जो टिक्का भी लगाने लग रहे हैं, कोई बीमार है कोई बुखार है सारी चीज़ की जांच करे है, और दवाई की जो पेटी है पेटी का वह है और अभी ताउजिन दवाई दी है सारी मतलब देखभाल करीजे है, और समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग है और विद्यांग लोग है मतलब अपने अंदर भाई बैठी है बेबी शायद मानसिक स्थिति वांगी खराब है और बेबी अठे है सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सही टाइम पर सारा ने खानो दीजे है और सारा अठे लोग बहुत ही आराम बैठे है और बढ़िया आपकी ज़िंदगी जी है, पर भी भैया है वांगे शायद मानसिक प्रॉब्लम है फिर भी मतलब इतनी समस्या है फिर भी बावजूद भी आपने संस्था के अंदर किया व्यवस्था अपने राजेश जी बनावा है आप बहुत बढ़िया बात है, अपने भाई ने देख सको हो अपने भाई अपने जो बुजुर्ग लोग हैं सारा रोटी देने लग रहे हैं अभी लगभग 10 बजगी और 10 बजे खानों देने लग रहे हैं और सारा की बहुत बढ़िया देखभाल करीजे है, अपने बुजुर्ग लोग भी है अपने भाई भी है कोई कुछ दान करना चाहे या कोई तरह को खानों देना चाहे तो भी मैं थाने राजेश जी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा अपन नंबर पर कॉल करियो और थे भी पुण्य के भागी बनो और जितो थारू है बितो करो थे और थारे आस पास में कोई भी अगर इस तरह का लोग दिव्यांग लोग और बुजुर्ग लोग है जगह सके अत्याचार होने लग रहे बहुत ज़्यादा और दिखे थाने तो हमारे नंबर पर थे कॉल करो और इस संस्था का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सब्सक्राइब करो और जितनी भी अपने रोसर के अंदर समाज सेवा है और सारा थाने रूबरू कराऊंगा और मेरे चैनल ने थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अगर ना करो तो इसी वीडियो लेके आऊँगा और आप मिला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।